नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है जहां हम दुनिया के अद्भुत और रहस्यमयी स्थानों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपने फिल्मों में पिरामिडों को देखा होगा जो अपने रहस्यमय और आकर्षक संरचना के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन पिरामिडों के पीछे की सच्चाई क्या है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी पिरामिड, जो सिर्फ मिस्र में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हर पिरामिड की अपनी एक अनोखी कहानी है जो आपको हैरान कर देगी। क्या आप जानते हैं कि इन पिरामिडों का निर्माण कैसे हुआ? इन विशाल पत्थरों को उठाने के लिए उस समय लगभग 2 से 3 हाथियों के बराबर ताकत की जरूरत पड़ती थी, और इन्हें एक के ऊपर एक रखकर ये अद्भुत संरचनाएं बनाई गईं। इन पिरामिडों के निर्माण, उनके अंदर छुपे रहस्यों और अद्वितीय वास्तुकला के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक यात्रा और जानते हैं कि क्यों इन पिरामिडों को दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि आपके लिए तो फ्री होता है लेकिन उसे हमारा बहुत हेल्प होता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 10, पिरामिड ऑफ अहमोस। नए साम्राज्य के 18वें राजवंश से जुड़ी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण संरचना, अहमोस का पिरामिड पुराने साम्राज्य के अन्य भव्य पिरामिडों के आकार की तुलना में काफी छोटा है। फिरौन अहमोस की समाधि के रूप में निर्मित इस प्राचीन पिरामिड में पत्थर की ईंटों के बजाय मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सूची में अन्य पिरामिडों के विपरीत अहमोस का पिरामिड नए साम्राज्य के दौरान बनाया गया था। इसने मिस्र के महत्वपूर्ण युग को अस्तित्व में लाया, जिसने विशेषज्ञों और पर्यटकों दोनों का ध्यान आकर्षित किया। यह साइट अहमोस के शासनकाल के धार्मिक और राजनीतिक संदर्भ और मिस्र की पौराणिक कथाओं में एबिडोस के महत्व के बारे में भी जानकारी देती है। यह एक ऐसी जगह है जहां आगंतुक नए साम्राज्य के जन्म और मिस्र की महानता के पुनरुत्थान से जुड़ सकते हैं। 12वें राजवंश के बाद फिरौन और राजाओं को किंग्स की घाटी जैसी जगहों पर भूमिगत कब्रों में दफनाया गया था। इस प्रकार अहमोस का पिरामिड मिस्र के अंतिम छात पिरामिडों में से एक है। नंबर 9, पिरामिड ऑफ उनास। मिस्र के ये पिरामिड कंक्रीट से ज्यादा खंडहर हैं, लेकिन फिर भी विद्वानों और विशेषज्ञों के पसंदीदा हैं। एक समय उनास का पिरामिड 43 मीटर ऊंचा था, लेकिन समय की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका और अब मलबे का ढेर बन गया है। पेशेवर और यात्री अभी भी इस नजारे को अपने अध्ययन या कैमरे में क्यों कैद करना चाहते हैं? यह पहला पिरामिड है जिसकी दीवारों पर प्राचीन भजन, शिलालेख और ग्रंथ हैं, और यह एक प्रमुख ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। भले ही वे पुराने साम्राज्य के 5वें राजवंश के आसपास बनाए गए थे, यानी लगभग 2350 ईसा पूर्व पहले, इसे आधिकारिक तौर पर 19वीं शताब्दी में पर्यटन के लिए खोला गया था। वास्तव में विशेषज्ञों ने परिसर के भीतर एक मम्मी के खंडहर भी खोजे हैं। इसके अतिरिक्त उनास का पिरामिड मिस्र के अन्य अधिक भीड़भाड़ वाले पिरामिडों की तुलना में अधिक अंतरंग और आरामदेह अनुभव प्रदान करता है। यह आपको इतिहास और रहस्यमयी में डूबने का अवसर देता है। नंबर 8, पिरामिड ऑफ साहूरे। मिस्र के शीर्ष पिरामिडों की सूची में साहूर के पिरामिड को शामिल करने के कई कारण हैं। सबसे पहले, यह सूर्य के मंदिर के पास स्थित है। हाँ, वही जिसे आपने द ममी फिल्मों में देखा था, जो पर्यटकों के बीच काफी आकर्षण का केंद्र है। विशेषज्ञों ने इसके खंडहरों से कुछ अनूठी कलाकृतियां पाई हैं, जो इन विश्व चमत्कारों के इतिहास का पता लगाने में मदद कर सकती हैं, और काम अभी भी चल रहा है। साहूर के निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री या ब्लॉक की गुणवत्ता 5वें राजवंश में आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री या ब्लॉक से अलग थी। मोनोलिथिक गुलाबी ग्रेनाइट पोर्टकुलिस और ताड़ के पेड़ों के आकार के स्तंभ वास्तव में देखने लायक हैं। पोर्टकुलिस एक छोटे से बरामदे की ओर भी जाता है, जो किसी दिन ऐतिहासिक खोज की ओर ले जा सकता है। ये अद्भुत प्राचीन मिस्र के पिरामिड 5वें राजवंश के दूसरे शासक फिरौन साहूर के नाम को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यह उनका दफन स्थान है। आप अभी भी उस समय के धार्मिक अनुष्ठानों और प्रसाद को निर्देशित करने वाले कुछ शिलालेख पढ़ सकते हैं। नंबर 7, पिरामिड ऑफ मेडम। मिस्र के पिरामिडों की सूची इस अविश्वसनीय संरचना के बिना पूरी नहीं हो सकती। माना जाता है कि मेडम का पिरामिड स्टेप पिरामिड या जोसर के पिरामिड के बाद बनाया गया दूसरा पिरामिड है। यह पहला ऐसा पिरामिड भी है जिसके बाहरी आवरण पर चिकनी या सपाट सतह बनाने का प्रयास किया गया है। हालांकि प्रयास के कुछ दिनों बाद इस विचार को छोड़ दिया गया, लेकिन इससे इस पिरामिड की वास्तुकला की अद्भुतता कम नहीं हुई। विशेषज्ञों के अनुसार मेडम के पिरामिड का निर्माण हूनी के शासनकाल के आसपास किया गया था, जो 3रे राजवंश के अंतिम फिरौन थे, जिनकी मृत्यु संरचना के पूरा होने से पहले हो गई थी। हालांकि
स्मारक को उसके शासनकाल के दौरान स्नेफरू फिरौन के आदेश पर पूरा किया गया था। आज यह मिस्र के सबसे लोकप्रिय पिरामिडों में से एक है और दुनिया भर से आगंतुकों को इसकी प्राचीन महिमा में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि अगर किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिक है तो उसे पिरामिड में प्रवेश करने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रवेश सुरंग काफी संकरी है और असुविधा का कारण बन सकती है। हालांकि सुरंग जल्द ही एक विशाल क्षेत्र में खुल जाती है जहां लोग फैल सकते हैं और भवन का आनंद ले सकते हैं, जो वर्तमान समय में केवल 3 परतों में ही दिखाई देता है। नंबर 6, पिरामिड ऑफ जोसर। जोसर का पिरामिड, जिसे स्टेप पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है, 27वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान फिरौन जोसर के शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आया था। इस शानदार पिरामिड को देखने के कई कारण हैं, जिनमें से एक यह है कि यह देश में पत्थर से बना पहला झात स्मारक और सबसे पुराना झात ढांचा है। इसके अलावा इसे प्रसिद्ध वास्तुकार इम्होटेप ने डिजाइन किया था और इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक में सपाट छत वाले मकबरे शामिल हैं, जो 6 स्तरों और 4 तरफ से एक के ऊपर एक हैं, जो इसे एक विशिष्ट मिस्र का पिरामिड बनाते हैं, जिस तरह के अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक प्रशंसा करते हैं। आप परिसर के अंदर 13 नकली दरवाजे भी साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि प्रवेश द्वार के दक्षिण पूर्व की ओर केवल एक दरवाजा है। अधिकांश संरचना जमीन के नीचे स्थित है, जो इसे रहस्यमय और दिलचस्प दोनों बनाती है। 62 मीटर लंबा यह परिसर लगभग 37 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन इसका मुख्य आकर्षण इसकी 6 किलोमीटर लंबी सुरंगें हैं, जो प्राचीन दीर्घाओं और कक्षों के साथ अतीत की झलक देती हैं। यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अन्य प्रसिद्ध पिरामिडों की तरह इस पिरामिड को भी कई बार लूटा गया और नष्ट किया गया। 14 साल की बहाली और संरक्षण के बाद जोसर के पिरामिड को आखिरकार आम जनता और आगंतुकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। नंबर 5, द रेड पिरामिड। मिस्र के सबसे खूबसूरत पिरामिडों में से एक रेड पिरामिड या उत्तरी पिरामिड का निर्माण 26वीं शताब्दी के आसपास स्नेफरू फिरौन के शासनकाल के दौरान किया गया था। स्थानीय लोग इस पिरामिड को एल हेराम एल वाटवात कहते हैं, जिसका अर्थ है बैट पिरामिड, क्योंकि यह हमेशा लाल रंग का नहीं था। शुरुआत में सफेद तुरा चूना पत्थर से सजे पिरामिड का बाहरी रंग फीका पड़ गया है। अब केवल आधार ही इस एक बार के प्रमुख आवरण के अवशेषों से सजा हुआ है। रेड पिरामिड के बारे में एक मजेदार तथ्य यह है कि यह स्नेफरू के शासनकाल के दौरान सफलतापूर्वक बनाया गया पहला पिरामिड है। यह दहशोर का सबसे बड़ा पिरामिड भी है, जो 104 मीटर ऊंचा है, और दिलचस्प बात यह है कि इसे केवल लाल चूना पत्थर से बनाया गया है। अपने लाल रंग के कारण ही इस इमारत को रेड पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4, द बेंट पिरामिड। काहिरा से लगभग 40 किमी दक्षिण में बेंट पिरामिड है, जो अपनी अनूठी उपस्थिति के लिए जाना जाता है, जो संरचना को इसका नाम देता है। मिस्र के सबसे प्रसिद्ध पिरामिडों में से एक बेंट को 2 अलग अलग और असामान्य कोणों के साथ बनाया गया है। पिरामिड का निचला भाग ऊपरी भाग की तुलना में 12 डिग्री अधिक ढलान वाला है। बेंट पिरामिड की सुंदरता इसे अन्य मिस्र के पिरामिडों से अलग करती है, क्योंकि चूना पत्थर की इसकी बाहरी परत पॉलिश की हुई है और उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित है। लगभग 2600 ईसा पूर्व निर्मित इस पिरामिड का निर्माण पुराने साम्राज्य काल के दौरान खुफू के पिता फिरौन स्नेफरू को दफनाने के लिए किया गया था, जिन्हें गीजा के महान पिरामिड में दफनाया गया था। बेंट पिरामिड को 1965 के बाद पहली बार 2019 में आगंतुकों के लिए खोला गया था, और इस प्रकार यह आपके लिए SOTC के साथ अपने मिस्र टूर पैकेज बुक करने का सही कारण है। नंबर 3, पिरामिड ऑफ मेनकाउरे। प्राचीन गीजा के 3 पिरामिडों में से अंतिम और सबसे छोटा पिरामिड मेनकौर का पिरामिड है, जिसे माइसरिन्स के नाम से भी जाना जाता है। यह पिरामिड 4वें राजवंश के फिरौन के लिए दफन स्थल के रूप में कार्य करता था, जिसका नाम भी यही था। प्राचीन संरचना मूल रूप से 66 मीटर ऊंची थी और इसे पॉलिश किए गए चूना पत्थरों से बनाया गया था, लेकिन इमारत का आधार पूरी तरह से लाल ग्रेनाइट से ढका हुआ है। अनुमान लगाने में कोई बुराई नहीं है, यह मिस्र के सबसे आश्चर्यजनक पिरामिडों में से एक है, जिसकी सुंदरता गीजा के अन्य 2 पिरामिडों से भी अधिक है। वर्तमान में आप केवल निर्माण के अंतिम चरण को देख सकते हैं और आगंतुक इस पर एक घाव भी देख सकते हैं, जो संरचना को ध्वस्त करने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, यह 1196 ई के आसपास की बात है, जब मिस्र के सुल्तान ने इसे गिराने की कोशिश की थी। हालांकि कुछ महीनों बाद विध्वंस को छोड़ दिया गया, क्योंकि श्रमिक एक दिन में 2 ईंटों से अधिक नहीं हटा सकते थे। प्राचीन इमारत भी बर्बरता और क्षरण के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसलिए आप अपनी यात्रा के दौरान इसका एक हिस्सा गायब पाएंगे। इसके अलावा
मेनकोर के पिरामिड के भीतर विशेषज्ञों ने मानव हड्डियों से भरा एक ताबूत खोदा। 2000 साल पुरानी इन हड्डियों ने निर्णायक सबूत दिए कि वे फिरौन की नहीं थीं, जिससे इस प्राचीन संरचना के आसपास का रहस्य और गहरा हो गया और हम निरंतर विस्मय में रह गए। नंबर 2, द पिरामिड ऑफ खाफरे। यह पिरामिड प्राचीन मिस्र के पिरामिडों में से एक है और 26वीं शताब्दी के दौरान शासन करने वाले चौथे राजवंश के फिरौन खफरे और उनके बेटे के लिए अंतिम विश्राम स्थल के रूप में कार्य करता था। गीजा पिरामिडों में खफरे का पिरामिड ऊंचाई में दूसरे स्थान पर है और समकालीन विद्वानों और पुरातत्वविदों द्वारा जांचे जाने वाले सबसे शुरुआती पिरामिडों में से एक होने का गौरव रखता है। विशेषज्ञों के अनुसार खफरे के पिरामिड का निर्माण 2520 ईसा पूर्व और 2494 ईसा पूर्व के बीच किया गया था और अभी भी यात्रियों के लिए इसके मूल चूना पत्थर चमक रहे हैं। इन मिस्र के पिरामिडों की आकर्षक विशेषता उनके अच्छी तरह से पॉलिश किए गए प्रवेश द्वार हैं, जो मुख्य दफन कक्ष तक सीधा मार्ग प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त आगंतुक एक अन्य प्रवेश द्वार का पता लगा सकते हैं, जो प्राचीन मिस्र के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है। 136.4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खफरे के विशाल पिरामिड के पास आपको ग्रेट स्फिंक्स, मोर्चरी टेंपल और वैली टेंपल जैसे प्रसिद्ध आकर्षण मिलेंगे। ये आकर्षक स्थल निकट भविष्य में मिस्र टूर पैकेज बुक करने पर विचार करने के लिए पर्याप्त कारण प्रदान करते हैं। नंबर 1, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, खुफू का विशाल पिरामिड या चेओप्स का महान पिरामिड। न केवल मिस्र का सबसे लोकप्रिय बल्कि सबसे बड़ा पिरामिड भी है। 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व से यह 146.5 मीटर ऊंचा है, जब इसे चौथे राजवंश के फिरौन खुफू को दफनाने के लिए बनाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि यह 3000 से अधिक वर्षों तक सबसे ऊंची झात मानव निर्मित इमारत थी और प्राचीन दुनिया के 7 सच्चे अजूबों में से एक है। यह निश्चित रूप से एक होने का हकदार है। इसके अलावा मूल संरचना ग्रेनाइट, चूना पत्थर और आवरण पत्थरों से बने 2 मिलियन से अधिक ब्लॉकों से बनाई गई थी, जिनमें से सभी को सफेद रंग में पॉलिश किया गया था। इसमें राजा और रानी के कक्ष सहित कई गैलरी और मार्ग भी शामिल हैं। वर्षों के टोल और अथक शरण के बावजूद, जिसने अपनी मूल भव्यता को छीन लिया है, खुफू का पिरामिड हमारे मिस्र टूर पैकेजों पर एक आकर्षक आकर्षण बना हुआ है, जो अनगिनत आगंतुकों को आकर्षित करता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी पिरामिड। उम्मीद है कि आपको हमारी यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी हमारे साथ ऐसी ही अद्भुत और रोमांचक यात्राओं पर निकल सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।